अगर मैं मंगोलों की मदद करूं, तो उस्मान मुझे मार डालेगा। और उस्मान की मदद करता हूं, तो वालिदा सुल्तान सर उठाती है। जानता हूं कि क्या करना है। चलो मेरी तरफ देखो, ठहरो। मुझे मारो। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? कहा ना जोर से मारो मुझे। मैं आपको कैसे मार सकता हूं? मुझे इस तरह से मारो मुझे। चलो चलो मारो। हुजूर हुजूर उठे। हुजूर क्या किसी दुश्मन को मार रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। आ जाओ। चले जनाब। हम आ गए जनाब। उस्मान साहब हम आ गए। आ जाओ सारा बाइंडर, आ जाओ तुम भी। चाल चलने की कोशिश कर रहे थे और अपनी ही चाल का शिकार हो गए। हा तुमने देख लिया? हम लोग ही खेल शुरू करते हैं और हम ही खत्म करते हैं। तुम्हारे खून से आज इस खेल को खत्म किया जाएगा। तुम गद्दार हो अहले खान का। गजब तुम पर बरसेगा उस्मान, एक बार जब गजान खान को पता चलेगा कि तुमने सुल्तान मसूद की मदद की है, वो तुम्हारी जमीन को जहन्नम बना देगा। जिस सरजमीन पर तुम कदम रखते हो वो वैसे ही जहन्नम बन जाती है, लेकिन हम फिर उस सरजमीन को जन्नत में तब्दील करने के लिए उसे खून से सैराब करते हैं। यही हम में और तुम में फर्क है, जान लो। और से देख लो बाइंडर, हमारे खिलाफ खड़े होने वालों की आकबत क्या होती है। मैं अपने घोक टेंगरी से मिलूंगा, लेकिन तुम्हारी तलवार तुम्हारा अपना हिस्सा काट देगी। तुम मेरी जिंदगी नहीं ले रहे, बल्कि अपने लोगों की ले रहे हो। जो मौत से डरता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता, और जो आजादी के दावेदार नहीं वो हम में से कभी नहीं हो सकते। मेरी बात सुनो गौर से। मैं कूनिया के जेरे असर सरदार नहीं, ना ही वो सरदार जो मंगोलों से डरता है। मैं वो हूं जो इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली रियासत का बीज बो रहा है और खून से सिराब कर रहा है। उन तमाम जालिमों को बताओ जिन्हें मैंने मारा है। मैं
जालिमों के लिए डरावना ख्वाब हो, मजलूमों का मुहाफिज हो, उस्मान हूं मैं। आहिस्ता महंगी खातून, आहिस्ता। अब जा चुकी है बाला खातून, मसला क्या है? ये एक जाल था वालदे सुल्तान। बाला के यहां आने का मकसद सिर्फ आपसे आपकी मोहर लेना था। जाओ बाला खातून को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाहियों, फौरन उसका पीछा करो। जल्दी से घोड़े ले आओ, जब तक वो बाकी मिल ना जाए वापस बताना। इसे उठा के ले जाओ और इसे इसके मालिक तक पहुंचा दो। जो हुक्म आपका मेरे भाई। और तुम जरा इधर आओ, खड़े क्यों? आगे आओ, आ जाओ। उस्मान साहब, मैंने हमेशा आपकी और आपके सिपाहियों की मदद की है, अब मेरी जान मत लीजिए। जान लेना तुम्हें क्या लगता है, कोई तिजारत की मानंद है? कोई ऐसा कारोबार नहीं है। अगर जालिमों का साथ दोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको सोना दे सकता हूं। आपको अपनी फतह के लिए वसाइल की जरूरत है, बहुत सारा सोना है मेरे पास। अगर मैं तुम्हें यहां मार दूंगा तो वो सोना तो वैसे भी मेरा हो जाएगा। नहीं जनाब, मैं आपके लिए लड़ते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को आपका वफादार साबित कर दूंगा। वफादार? हाँ, वफादार मेरे। बात सुनो मेरी, सिर्फ एक मौका दूंगा, वफादारी साबित करके दिखाओ। रुको, इतनी बेदाबी क्यों है तुम्हें? सुन तो लो पहले, कोनूर को वालिदा सुल्तान ने कैद कर रखा है, उसे वालिदा सुल्तान से तुम बचा कर लाओगे। भाई, अगर इस तरह आपका एतमाद हासिल हो सकता है तो मैं कोनूर को जरूर लेकर आऊंगा। अब जाओ यहां से। चलो हुसैन, चलो चलो चलो।
हुजूर, बाला खातून नहीं आई, कुछ गलत तो नहीं हुआ? उस्मान साहब, शुक्र है आप ठीक हैं। शुक्र है हम ठीक हैं। बाला, खेल खत्म हो गया है बाला। वालिदा, अलजा जेक, आप यहां क्या कर रही हैं? तुमने ये क्या पहन रखा है? हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानती, बाला खातून ने ये मुझे दिया। बाला ने? बाला ने? ठीक हूँ, सब ठीक है, शुक्र है। अब बताओ जरा, मोहर हासिल कर ली तुमने? अब ये मोहर हमारे पास है। ओए माशाल्लाह, अब हम क्या करेंगे जनाब? वो जो हमारे कले हैं उन्हें हासिल किया जाएगा। सुल्तान की मोहर अब हमारे हाथ है, अब कोई हमारे सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें बुलवाया है। बाला खातून अलाउद्दीन बेटे के साथ मिलकर बलूजा हिसार कला वापस लेंगे। मलहून खातून और हान बेटे के साथ मिलकर राजा हिसार कला उनसे वापस लेंगे। और हम बेलेजेक हासिल करने जाएंगे। इसे यहां लेकर आओ। ये गर्म नहीं हुआ। ठीक है, इसे गर्म करो, हमें जल्दी जाना है। हुजूर, हाँ? क्या हम कोनूर को वहां से छुपके निकालेंगे? इसमें खतरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये कैसे करते हैं। उस्मान एक जुनूनी किस्म का इंसान है और वालिदा सुल्तान, अगर हम उनके दुश्मन बन जाते हैं तो हम तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हुसैन, लेकर आओ उसे यहां, वरना वो पिघल जाएगा। आहिस्ता, एक ही बार करना। हाँ जी, समझ गया मैं। ठीक है, रुको जरा, रुको। बस करो। इतनी तकलीफ तो जख्म लगते वक्त नहीं हुई थी। मेरे हुजूर, आप जानते हैं कि
कोहनूर को हमें बचाना है। वो उस्मान आपको इस मिहान सुल्तान के खिलाफ करना चाहता है। आप समझ रहे हैं ना हुजूर, उस्मान आपको सजा दिलवाना चाहता है। हमेशा कोई ना कोई कम सर्फी करते हो। तुम कोई अच्छी बात मुंह से क्यों नहीं निकालते? वालदा सुल्तान के खिलाफ कह रहे हो, तौबा अस्तगफरुल्लाह। चलो पानी पिलाओ मुझे, चलो। अस्तगफरुल्लाह, ये लीजिए। जिंदगी की जंग लड़ रहा हूं मैं। उस्मान साहब के साथ खड़े ही रहना होगा। जब तक ये हमारे लिए मुमकिन हो सकता है, उसी की वजह से तूफान आता है और उसी की वजह से खत्म होता है ना हुसैन? आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। अगर हमने गलत रुख का इंतखाब कर लिया तो क्या होगा? तो अस्तगफिरुल्लाह, चलो जाओ यहां से, चले जाओ। मैं आराम करना चाहता हूं, जाओ। मुझे बताओ, चलो। क्या कुछ बोला इसने? कुछ नहीं, लेकिन बोलेगा। उस्मान को बचा रहे हो? कहाँ है उस्मान? तुमने उस्मान का साथ देने का इंतखाब किया और तुमने बहुत बड़ी गलती की कोहनूर। वालिदा सुल्तान के तौर पे मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। मुझे उस्मान के सारे राज बताने होंगे और मैं तुम्हें वो तमाम चीजें दे दूंगी। आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वालिदा सुल्तान, कोहनूर हमें उस्मान के राज जरूर बताएगा, देखते जाओ। थैले में क्या है आवजी? वालिदा सुल्तान, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। थैले में क्या है आवजी? खोलो, बहस मत करो। ये उस्मान साहब ने भेजा है। ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है जो आपकी पैरवी करते हैं। तुम बहुत कुछ जानते हो, इसी वजह से अभी तक जिंदा हो। और जब मैं वो राज जान लूंगी तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। उस्मान, उस्मान यहाँ आया है। क्या उस्मान?
ये मेरा कला है उस्मान, तुम इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। भूल जाओ, ये कला तुम्हारा नहीं है। कमांडर, ये क्या हो रहा है? ऐसे हिफाजत करते हैं, आप पर भरोसा किया गया। यहाँ जिस चीज पर भरोसा किया गया है वो तुम्हारी जान है उस्मान। सुल्तान के हुक्म से ये कला मेरी मिल्कियत है। इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। सिपाहियों, ना सिर्फ बिलचिक कला का राजा हिसार कला और कोलूजा हिसार कला अब से सिर्फ और सिर्फ मेरी मिल्कियत में है। रुको, चलो चलकर दरगाह में चलते हैं। कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? हम जहां से आए हैं वहीं लौटेंगे। हमें जाने दे जनाब, देर हो रही है। तलाशी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दरवेशों ने कुछ गलत किया है? हम वही करेंगे जो हमें हुक्म मिला है, तलाशी ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए। ये सेवों से भरा हुआ है। ये सेब लोगों के लिए है, इनको भी सेब दे दीजिए। जो दरगाह का है वो हम नहीं ले सकते मेरे शेख। क्यों नहीं ले सकते आप? बिल्कुल ले सकते हैं। ये भी सेबों से भरी हुई है, ये दरगाह के लिए काफी होगी। चलिए, आप सेब ले सकते हैं। मेरे शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ये वाजे है ओलो, हम कला उस्मान साहब के हवाले करते हैं।